गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14.2। फिफ्थ पार्ट रह गया था इसका। देखिए फिफ्थ पार्ट का अगर हम सॉल्यूशन देखें, अगेन आपके पास क्या है इसमें, फैक्टोराइज, फैक्टर्स बनाने हैं आपको इसके। फर्स्ट पार्ट है पी स्क्वायर प्लस 6p + 8। हम क्या चेक करते होते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 8 आए और जो उसका सम है वो क्या बने, 6 बने। सो 8 के लिए 4 2 6 सॉरी 4 2 8, 8 हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 4 एंड 2 को हम अगर सम करते हैं तो 6 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पी स्क्वेयर प्लस 4p + 2p + 8। पी कॉमन इसमें से, सो पी प्लस 4 प्लस अगेन 2 कॉमन, अगेन पी प्लस 4, सो पी प्लस 2 इंटू में पी प्लस 4। सेकेंड पार्ट है हमारे पास क्यू स्क्वेयर माइनस 10³ + 21। अगेन प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 21। सम और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 10 आना चाहिए, तो 7 3 = 21, 7 and 3 का sum 10। सो हमें दोनों क्या लेने पड़ेंगे, नेगेटिव साइन के साथ, प्लस 21। अगेन इसमें से क्यू कॉमन, क्यू माइनस 7, अगेन माइनस 3 कॉमन, क्यू माइनस 7। सो मैंने माइनस 3 कॉमन लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस 7 चाहिए था। सो अगेन क्यू माइनस 7 अगेन कॉमन है, लेफ्ट क्या है, क्यू माइनस 3। थर्ड पार्ट है हमारे पास पी स्क्वेयर प्लस 6p - 16। अब हमारे पास प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 16। सम जा सब्ट्रैक्ट करके 6 आना चाहिए। अगर मैं 4 4 = 16 ले रही हूँ तो 4 और 4 का अगर मैं सम करूँगी तो 8 आ रहे हैं। सो कोई अदर फैक्टर लेना पड़ेगा, 16, 8 2 = 16, 8 और 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 6 आएगा। सो फैक्टर इज 8 and 2 - 16। अगेन इसमें से p कॉमन, p + 8, यहाँ पे -2 कॉमन, p + 8, 2 8 = 16। सो p - 2 इंटू में p + 8। नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर रहे हैं हम। फर्स्ट है आपके पास कैरी आउट डिवीजन, आपको डिवाइड करना है इनको। फर्स्ट है आपके पास 28x⁴ डिवाइड बाय 56x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 28x⁴ डिवाइड बाय 56x, और 28/56 कॉन्स्टेंट को हमने अलग लिख लिया, x⁴ / x। तो 28 2 = 56, सो 1/2 x⁴, यहाँ पे पावर रूल आएगा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, सो 4 - 1, ये पावर ऊपर जाएगी, सो नेगेटिव साइन, सो हाफ एक्स का क्यूब। सेकेंड पार्ट है आपके पास -36y³ डिवाइड बाय 9y² -36y³ डिवाइड बाय क्या है, 9y². सो 9 4 = 36, -4, यहाँ पे y³, ऊपर जाके ये माइनस का 2, सो -4y⁴ और -4y, 1 पार लिखने की जरूरत नहीं होती, सो -4y। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट इसी का, थर्ड पार्ट है आपके पास 66 pq² r³ डिवाइड बाय 11q r² इसको क्या लिखोगे, 66 pq² r³ डिवाइड बाय कितना है, 11q r² सो हम क्या लिखेंगे, 66/11 इंटू में pq² r³ डिवाइड बाय qr² 11 6 = 66, क्यू से क्यू कैंसल, r² से r² कैंसल, एक r बचा, सो 6pq r। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 34x³ y³
जेड क्यूब डिवाइड बाय 51 x y² जेड स्क्वेयर 34 x³ y³ जेड क्यूब डिवाइड बाय 51 x y² जेड स्क्वेयर 17 2 जा 34 17 3 जा 51 सो क्या आया 2/3 x की 3 -1 पावर यहाँ 1 है सिमिलरली y की 3 -2 जेड की पावर 3 -2 सो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2/3 x की पावर 2 y की पावर 1 z की पावर 1 और वी कैन सी 2/3 x² वाई जेड नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट फिफ्थ है 12 ए रेज टू पावर 8 बी रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय -6 ए रेज टू पावर 6 बी रेज टू पावर 4 12 ए रेज टू पावर 8 बी रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय -6 ए रेज टू पावर 6 बी रेज टू पावर 4 6 2 इज 12 -2 ए रेज टू पावर यहाँ पे 8 है ये 6 है माइनस का 6 बी रेज टू पावर 8 माइनस में 4 सो -2 ए रेज टू पावर 2 बी रेज टू पावर 4 ओके नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू